of English 2. Today we are going to start our chapter lesson 17, which is Tom has a garden. Tom ke paas kya hai? Garden hai. So please check out your user in means English 2 book in your hand and open page number 68. As usual, I will explain one paragraph in Hindi and I will read in English. After that, I will explain in Hindi. So please take out your book, keep your finger on your book, and let's start. Tom has a garden in the front of his house. Tom ke paas ek bagicha tha uske ghar ke just samne. He likes flower. Tom ko phool bahut pasand tha. His papa and mummy also like flower. Aur Tom ke mummy papa ko bhi flowers bahut pasand the. Tom has an elder sister. Tom के पास एक बड़ी बहन थी. Her name is Monica. She also loves flower. Tom की जो बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था? Monica. And उसको भी फूल बहुत पसंद थे. Next paragraph. हीरा लाल is a gardener. हीरा लाल जो है वो बगीचे के वो माली हैं. बगीचे का देखभाल करते हैं. He comes and work in the garden. वो रोज आते हैं और बगीचे में काम करते हैं. हीरा लाल पोन्स द प्लांट एंड रिमूव द ग्रास. और हीरा लाल क्या करते थे? वो रोज आते थे, वो जो सूखे पत्ते होते थे, सूखे प्लांट होते थे, उनको कट आउट करते थे, उनको हटाते थे, और जो ग्रास, जो बेवजह की जो घास उगी रहती थी बगीचे में, वो उनकी सफाई करते थे. थर्ड पैराग्राफ. देयर आर मेनी प्लांट्स इन द गार्डन. और गार्डन में बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं. देयर आर रोसेस ऑफ मैनी कलर. कई तरह के रोसेस हैं. देयर आर रेड रोज एंड व्हाइट रोज. और टॉम के गार्डन में व्हाइट रोज भी है, सफेद गुलाब भी है और लाल गुलाब भी है. देयर आर डहलिया फ्लावर. दे आर येलो वॉयलेट एंड रेड. और टॉम के गार्डन में डहलिया फ्लावर भी है जो कि येलो वॉयलेट और रेड कलर में है. देयर आर व्हाइट जैस्मिन एंड रेड पॉपी फ्लावर्स. व्हाइट कलर की जैस्मिन फ्लावर और पॉपी फ्लावर्स भी है जो कि रेड कलर में है. प्लीज टर्न द पेज, पेज नंबर 69. इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर इज अ स्मॉल पॉन्ड. और जो टॉम का गार्डन है उसके बीचों बीच एक छोटा सा तालाब है. देयर ग्रोज द लोटस. और उस तालाब में क्या उगता है? यस, लोटस उगता है. अराउंड द पॉन्ड देयर इज अ लॉन विथ ग्रीन ग्रास. और पॉन्ड के अगल बगल लॉन है जहां पे बैठ सकते हैं ग्रीन ग्रास से. टॉम एंड मोनिका वाटर द प्लांट एवरी मॉर्निंग. टॉम और टॉम की बड़ी बहन मोनिका वो सुबह सुबह हमेशा हर सारे प्लांट्स को इवनिंग के समय, शाम के समय वो सारे पेड़ पौधों को पानी देते हैं. टॉम्स पापा बाई न्यू प्लांट एंड पॉट्स. और टॉम के पापा क्या करते थे? वो रोज नए नए पौधे लाते थे पॉट्स के साथ. हिज मम्मी लुक आफ्टर द प्लांट्स. दे ऑल लव फ्लावर एंड प्लांट. और जो उसके पापा प्लांट्स लेके आते थे तो मम्मी उसके प्लांट का, सारे प्लांट का देखभाल करती थी. और टॉम के फैमिली में सबको फ्लावर्स बहुत पसंद हैं. सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड लव फ्लावर्स. फ्लावर्स ब्रिंग द फ्रेशनेस इन आवर डेली लाइफ. If we go to the fresh flowers garden, we feel fresh in that environment. So please plant the flowers day by day. It will give us a nice environment. So please read out the chapter carefully. Exercise and question answers we will do in our next class. Thank you.